मुआना मंडी में सब्जियों के दामों में आ रही है गिरावट। धीरे धीरे टमाटर भी नीचे आ रहा है। टमाटर के भाव की बात करें तो टमाटर आज मुआना मंडी में 40 रुपए किलो थोक भाव में बिका है। मुआना मंडी में टमाटर की आवक औरंगाबाद बेंगलोर से हो रही है। लगातार टमाटर की आवक मुआना मंडी में जारी है, इससे टमाटर के भाव में लगातार गिरावट हो रही है और आने वाले 7 दिनों में टमाटर के भाव और भी नीचे आने के आसार हैं। और हम अन्य सब्जियों की बात करें तो अन्य सब्जियों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लौकी 4 से 5 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। वहीं हम हरी मिर्ची की बात करें तो हरी मिर्च 10 से 15 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। वहीं हम नींबू की बात करें तो नींबू 15 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रहा है। वहीं पत्ता गोभी की बात करें तो पत्ता गोभी 20 रुपए किलो तक थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। वहीं फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी 25 से 30 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रही है। हरे धनिया 20 से 30 रुपए किलो थोक भाव में मुआना मंडी में बिक रहा है। वहीं सब्जियों की बात करें तो सब्जियां अन्य प्रदेशों से मुआना मंडी में आवक हो रही है। मुआना मंडी में पत्ता गोभी सटाना से आ रही है जो कि महाराष्ट्र में है। और वहीं हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च मध्य प्रदेश से मुआना मंडी में आ रही है। अन्य प्रदेशों से लगातार मुआना मंडी में सब्जियों की आवक जारी है और धीरे धीरे सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भी सब्जियों के दाम काफ़ी नीचे तक सब्जियों के दामों में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। राहुल तंवर, अध्यक्ष जयपुर फल व सब्जी थोक विक्रेता संघ, मुआना टेलीविजन मार्केट, जयपुर।